उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही सभी पार्टीज ने अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी ने पांचों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करते ही चुनाव को भारी बहुमत से जीतने का डंका बजाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक दो सीटों में उलझी नजर आ रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अब उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसे देखते हुए अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी घोषित की और एसएस कलेर को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। डीएस कौटिल्य को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश से प्रभारी रोहित कुमार ने कार्यकारिणी की घोषणा की। वहीं शिशुपाल सिंह रावत, प्रेम सिंह, विशाल चौधरी, उमा सिसोदिया और आजाद अली को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और डी के बंसल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ राजू मौर्य और कुलवंत सिंह को प्रदेश सचिव बनाया गया है।